guys, welcome back to my channel and a sweet talks with Ishpreet. So title तो आपने पढ़ी लिया होगा कि क्या title है, और वैसे भी आप मुझसे पूछते रहते हो कि आपका boyfriend कौन है, आपका boyfriend कौन है, आपका boyfriend कौन है, आपका boyfriend कौन है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए मैं कभी बता नहीं पाती वो चीजें. तो आज जैसी मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा कि अब मैं अपनी YouTube फैमिली से, अपनी Instagram फैमिली से जितना हो ट्रांसपेरेंट रहूंगी और अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी. सो आई होप ये आप सबको मोटिवेट होने में हेल्प करेगा. सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो शुरू करने से पहले मुझे बता दो कि मेरी ये न्यू हेयर कट कैसी लग रही है. मुझे भी नहीं पता अब तक कैसी लग रही है, मैं एडजस्ट कर रही हूँ इसके साथ. तो अभी धीरे धीरे वीडियोस देख के, खुद के वीडियोस देख के अभी तक तो अच्छा लग रहा है. बैक टू द टॉपिक, मैं संगमनेर से हूँ. संगमनेर एक छोटी सी सिटी है महाराष्ट्र में, नियर शिरडी. तो वहाँ मैंने अपनी 10th कंप्लीट की. 10th के बाद मेरी मॉम की डेथ हो गई. बोर्ड्स खत्म हुए उसके 6 महीने बाद, लाइक इन दिसंबर मेरी मॉम की डेथ हो गई. मेरी मॉम के डेथ के टाइम पे हम लोग नानी के यहाँ पे थे, मतलब मॉम भी वहाँ पे थी, नानी के पास थी. फिर मैं वापस यहाँ आई अपने पापा के पास. यहाँ पे 12th कंप्लीट करते करते मुझे काफी सारी चीजें रियलाइज हो गई कि यार मेरी जो फैमिली है वो ज्यादा सपोर्ट नहीं करती लड़कियों को जॉब करने में या स्टडी करने में. मतलब मेरे मॉम डैड काफी सपोर्ट करते थे, लेकिन मेरी फैमिली थोड़ी सी ओल्ड थिंकिंग था उनका, तो उनके कुछ पॉइंट सही थे, कुछ पॉइंट सही नहीं थे. लेकिन अभी मॉम भी नहीं है, डैड के भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं संगमनेर से पहले पुणे शिफ्ट होती हूँ, पर पुणे काफ़ी दूर था संगमनेर से, ऑलमोस्ट 4 to 5 hours. तो मेरी दादी ने बोला कि तू नासिक चली जा, वो पास में भी है, तो जब भी ऐसा हो तेरी याद आए तो तू आ जाना वापस, 1-1.5 घंटा ही लगता है बाय बस. सो मैंने कहा ठीक है, एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू गो टू नासिक. अब नासिक में जॉब ढूंढना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज मैंने जस्ट 12th कंप्लीट की थी और मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो एक्सटर्नल एडमिशन ले लिया था. तो साइड बाय साइड में जॉब भी कर पाती थी और स्टडीज भी कर पाती थी, और साल में एक बार एग्जाम्स होती थी. तो फिर ये सोच के मैं नासिक गई, और मेरे डैड की किसी पहचान की एक कंपनी थी जिसको कॉल सेंटर मतलब बोलते, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी वो कंपनी का. सो वहाँ मैंने जॉब करना शुरू किया. मेरा तो अब तक का सबसे वर्स्ट इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे, बट ठीक है. अब ऐसा हो गया कि वो टाइम जो था मेरे लाइफ का, इट वॉज टेस्टिंग पीरियड. आई मीन लाइक खुश हुए इंसान और फिर कुछ ऐसा हो जाता था कि बस यू नो, क्योंकि मॉम को जाके मुश्किल से 1 साल हुआ था. सडनली मॉम भी चली गई, फैमिली भी छूट गई, सब छूट गया. तो आई वॉज अंडर दिस काइंड ऑफ ट्रॉमा कि ये कौन सा चेंज आ रहा है लाइफ में. अभी 1 साल पहले तक तो मैं बोर्ड्स दे रही थी, फैमिली के साथ थी, इतने सारे लोग थे. अब धीरे धीरे मॉम भी चली गई, सब चला गया. और वो जॉब पे भी मैंने जैसे एंट्री की, हर तरफ ऐसा धुआ धुआ इज हैपनिंग. बिकॉज अभी कुछ जगहों पे लोग आजकल सिगरेट पीते, और आई वॉज नॉट यूज टू दोज थिंग्स. तो वो मुझे यू नो, काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था, मैं डर रही थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादा. सो उसी ड्यूरेशन में ऐसे हुआ कि वहाँ एक लड़का था जिसने मुझसे अच्छे से बात की. और जब मैं ये सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप इमोशनली डाउन हो ना, तभी अपने इमोशंस में जाके किसी के साथ रिलेशनशिप कभी मत रखना. बिकॉज हम तब कौन कैसा है वो स्टडी नहीं कर पाते, या कौन आपके साथ क्यों है वो नहीं पता कर पाते. जस्ट बिकॉज वो अच्छा बात कर रहा है तो हम उसकी बातों में आके अपना पूरा लाइफ उससे शेयर कर देते हैं. और ये गलती मेरे साथ भी हुई थी, बिकॉज मैं इमोशनली पूरा अंदर से यू नो, आई वॉज ब्रोकन. इट वॉज ऑल न्यू फॉर मी, आई हैव नेवर बीन टू नासिक. मैंने अपनी लाइफ में हार्डली एक आध बार नासिक देखा होगा, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ. तो ये लाइफ ही मेरे लिए नहीं थी पूरी. सो उस लड़के ने मेरे से अच्छे से बात किया कि फिर धीरे धीरे यू नो ही स्टार्टेड गेटिंग मोर क्लोज टू मी, एंड ही प्रपोज्ड मी, एंड आई सेड ओके, एंड दैट्स इट. एंड दैट्स हाउ आई थिंक, मुझे लगता है ऐसे रिलेशनशिप स्टार्ट होता है. क्योंकि ट्रस्ट मी, आई वाज डम, लिटरली डम जब भी ये रिलेशनशिप की बात आती है, क्योंकि मैं पढ़ाई के या फैमिली के अलावा मैंने और कोई चीज़ें कभी देखी नहीं थी. उसके साथ जैसे ही मैं रिलेशनशिप में आई कॉल सेंटर में, स्पेशली जो लड़कियाँ थी वो थोड़ी सी मुझे डोमिनेट करने लग गई. दे स्टार्टेड डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज बहुत लड़कियों को उस पर क्रश था. अब मैं तो इतनी कोई ब्यूटीफुल थी नहीं, मैं अपना पंजाबी सूट पहन के चली जाती थी कॉल सेंटर. तो उसको पता नहीं मुझ में क्या दिखा. ऑफकोर्स मैं अच्छी तो दिखती थी पंजाबी सूट पहनने को, ये नहीं है. लेकिन वो था क्रिश्चियन, मैं थी पंजाबी,
और उसने जस्ट मुझसे अच्छे से बात कर ली, तो मुझे लगा हाँ यही है, अब अभी कोई तो है जो मुझसे प्यार करेगा। मेरे डैड का भी फोन नहीं आता, मेरे भाई का भी, भाई भी छोटा था, कोई नहीं, एटलीस्ट ये तो, ये तो मुझसे बात करेगा। मैंने वो सोच के उसके साथ रिलेशनशिप रखा और 4 months मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रही। ये एक और चीज जो मैं सबको बताना चाहूंगी कि जब वो रिलेशनशिप में मैं थी ना, थ्रू आउट वो मुझे बहाने देता रहता था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन लग गया है, मैं बहुत दूर रहता हूँ, तो हमारे यहाँ कैंप एरिया है तो हम नहीं आ पाएंगे, ये साइड ये साइड, पता नहीं हजारों बहाने हजारों चीजें। तो मैं उसको 4 महीने में सिर्फ 2 या 3 बार मिली, वो भी लाइक यू नो एक नॉर्मल से गार्डन में, बच्चों के पार्क में, एंड आई सेड हाय हेलो ये वो। और अब तक मुझे नहीं पता था कि वॉट इज अ रिलेशनशिप, तो मैं जस्ट स्टडी कर रही, मुझे पता ही नहीं था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चीजें होती क्या है। तो मुझे लगा शायद ऐसे ही मिलते होंगे 2 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार, और वो भी नासिक से था, मैं भी नासिक से थी, बस वो रहता दूर था। तो आप समझ लो मैं 4 महीने में उससे 2 या 3 बार मिली और बाकी मैं उससे फोन पे ही बातें करती थी। लेकिन ब्रेकअप के बाद जब मैं सोचती थी ना, तो काफी सारी चीजें दिमाग ने मुझे बताई कि ही वॉज मोर इन टू अ फिजिकल काइंड ऑफ, उसको बस कैसे भी करके ना लड़कियों को पटाना था, उनके साथ फिजिकल होना था और फिर उनको छोड़ देना था, और ये मुझे पता नहीं था। बीइंग फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट पंजाबी फैमिली, थैंक गॉड कि मेरी फैमिली ने मुझे इतने संस्कार दिए है, इतनी मतलब स्ट्रिक्टनेस में रखा है कि मैंने ये चीजें अपने साथ कभी नहीं होने दी, कभी भी नहीं। उसने हजारों बार ही ट्राइड टू अप्रोच, बट आई जस्ट सेड नो। मुझे एक ही चीज मेरी आंखों के सामने आती थी, मेरी मॉम का चेहरा। मेरे डैड ने जिस भरोसे से मुझे यहाँ भेजा है पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाके, बहुत लोग बैठे ही होते हैं कि हाँ आपकी बेटी आपको छोड़ के चली गई है, अब वो कुछ गलत काम करेगी। जब आपको लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपको छूट मिलती है तो यू एंड अप डूइंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज आपको सडनली छूट मिली है, बट हर बार ऐसे नहीं होता, हर बच्चा ऐसे नहीं होता, इनफैक्ट कोई भी बच्चा ऐसे नहीं होता अगर आप किसी को प्रेशराइज नहीं करोगे, किसी को दबा के नहीं रखोगे। तो मेरे बस वही था कि मैंने बोला ये सब चीजें नहीं ठीक है, मैं बहुत छोटी हूँ ये चीजों के लिए, आई जस्ट लाइक यू द वे यू टॉक टू मी, द वे यू शो अ काइंड ऑफ केयर। अभी केयर भी क्या यार, मतलब उसकी केयर भी ऐसे थी कि जैसे दूर से बस हाँ कैसी है ठीक है। मैं कितनी बार ऐसे हुआ मुझे रहने के लिए घर नहीं था, एंड ही नेवर केम, ही नेवर टुक एनी कंसर्न अबाउट इट, ही जस्ट सेड हाँ तू अभी संगम नेर चली जा, जब घर मिल जाएगा तो वापस आ जाना। तो मैं अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके 2 बार घर गई हूँ, लेकिन वो बंदा अपने घर से मेरे पास नहीं आया ये देखने के लिए कि मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए। बट ये चीजें मुझे रियलाइज होते होते बहुत टाइम लगा, 3-4 महीने ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। 4th महीने में ब्रेकअप के पहले सडनली रात को कॉल आता है, पहले तो 2-3 दिन इसने मुझे बुरी तरह अवॉइड किया, ही वॉज वेरी रूड टू मी, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या गलती कर दी, बिकॉज ऑफकोर्स एक ही तो है जिससे मैं बात करती हूँ, यू नो आई टेक हिम एज अ फ्रेंड और सब कुछ, और अभी सडनली मुझसे बात नहीं कर रहा है एंड वो इतना अवॉइड कर रहा है। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड, ही सेड नथिंग हैपेंड, इट वॉज जस्ट लाइक दैट। And at night, after calling him for like many times, he just calls me back. वो कहता है कि listen, मुझे नहीं लग रहा ये सब work कर रहा है हम दोनों में, and मेरी कोई और girlfriend है, and हमें यहाँ पे end कर देना चाहिए, I like someone else. अभी ये बंदा रात को 10-11 बजे मुझे कॉल करके ये कहता है कि भाई हम साथ में नहीं रह सकते, जो मुझे ये कहता है कि मैंने तेरी फोटो अपनी मम्मी को दिखाई है और मेरी मम्मी चाहती है तेरे घर वालों से मिलना एंड ऑल दैट स्टफ। यार अब 12th पास, मतलब मैं कितनी छोटी थी और मेरे दिमाग में अगर ये चीज आएगा तो मैं भरोसा कर लेती थी, क्योंकि हमारे घर में लड़कियों की शादी जैसे मैंने बताया 21-22 की एज में हो जाती थी, तो मुझे भी लगा ऐसे ही होता है। तो मैं हैप्पी थी, मुझे लगा ये सब नॉर्मल है, ये सब अच्छा है, उसने अपनी मम्मी को बता दिया मेरे बारे में, और मैं बहुत बुद्धू थी, ट्रस्ट मी आई वाज सो डम, मैं खुद कहती हूँ। लेकिन कभी कभी ना डम होना अच्छा भी होता है, बिकॉज हर बार चलाक होके ना आप नहीं सीख पाते जो आप डम होके सीख पाते हो, ठीक है। यस, फिर ये सब भरोसा दिला के सडनली वो मुझे कॉल करता है एंड कहता है कि वी नीड टू एंड दिस रिलेशनशिप, एंड बस ये कह के फोन कट। And I started crying, और मैं उसको कॉल कर रही हूँ, वो कहता है डोंट क्राई, डोंट डू दिस, डोंट सुसाइड, डोंट दिस, इतना, लेकिन वो ना मतलब ऐसे उसके बातों से लग ही नहीं रहा था कि he is sorry for something. फिर सेकेंड डे वो मुझे मिलने आता है,
एंड मैं जहाँ रहती थी वो पेइंग गेस्ट फैमिली थी, और वो फैमिली भी क्रिश्चियन थी जिनके पास मैं रह रही थी, और ये भी क्रिश्चियन था, तो मैं और ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह सब आते थे तो मुझे पता होता था क्या आ रहा है क्या नहीं. एंड मैं वो घर के बाजू में एक बंगलो था, वो बंगलो में एक झूला था, तो वो झूले में बैठ के रो रही थी. एंड ही केम एंड वो हंस रहा था, बोले अरे कुछ नहीं होता, ब्रेकअप ही तो है, इट्स ओके, तुम्हें मेरे से कोई अच्छा मिल जाएगा, ये वो. मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, प्लीज डोंट लीव मी. एंड गाइस उस टाइम आई वाज सीरियसली अंडर ट्रॉमा. जैसे कि मैंने बताया मेरे लाइफ में से बहुत सारे लोग जा चुके थे, और एक और को लूज करना मतलब आप सोचो ना मेरे वो माइंड पे या मेरे हार्ट पे हर चीज पे कितना असर पड़ रहा होगा वो चीज का. और मैं इतनी भी बड़ी नहीं थी, वो सब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा जा रहा था, और मैं इतना सब इमोशनल स्ट्रेस नहीं ले पा रही थी. आई मीन लाइक मेरी जगह उस टाइम कोई होता ना, अगर थोड़ा सा भी वो स्ट्रांग नहीं होता ना, आई स्वेयर वो अपने साथ कुछ कर लेती, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट. और ये चीज आप अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते, और मेरी जैसी फैमिली को तो कभी नहीं बता सकते, जहाँ पे ना आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ना आपकी बहनें आपसे कभी बात करती है, ना कोई आपको फोन करके पूछता है कि आप कैसे हो, क्या हो, खाया है क्या नहीं है, अकेली है, मम्मी नहीं है, क्या कर रही है, छोटी है, पूछ लो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. तो आप कैसे बताओगे ऐसे लोगों को कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. एंड बस फिर वो ये सब चीजें क्या के जाता है और मुझे बाय बाय करता है. एंड उस दिन के बाद ट्रस्ट मी गाइस, उसके बाद तो बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ. 2 महीने नहीं 4 महीने नहीं 1 साल नहीं 2 साल तक आई वॉज अंडर दिस ट्रॉमा दैट समवन लेफ्ट मी फॉर नो रीजन, और मैंने उसको खींच के एक थप्पड़ नहीं मारा. मैं बुद्धू जैसी रोती रह गई और वो मेरे मुंह पे हंस के जस्ट चला गया. 2 साल 2.5 साल मुझे वो चीज में से वो चीज को भूली तो नहीं मैं कभी, बिकॉज ऐसी चीजें आपको और पक्का बनाती है, अगर आप भूल जाओगे तो आप फिर वही मिस्टेक करोगे. ये जो भी हुआ ना मेरे साथ उस 1-1.5 साल में मैं फिगर आउट कर रही थी ये क्यों हुआ मेरे साथ ही क्यों हुआ. लेकिन वेन यू से यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, समटाइम्स यू हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज ऑल्सो. एंड येस आई एम ब्लेस्ड कि मेरे साथ ये सब हुआ, क्योंकि आज अगर मैं वो लड़के के साथ होती तो पहली चीज तो मेरे दो टाइम में क्या खाती थी मुझे ही नहीं पता. सेकेंड चीज ये कि आज मैं जिधर हूँ ना मैं उधर नहीं होती. मैं अपने टैलेंट को मैं किस चीज की कैपेबल हूँ ये मैं कभी समझ नहीं पाती. मैं भी वही गलती कर बैठती जो मेरे फैमिली में 21-22 साल की लड़कियों की शादी करवा के कर दी गई है. धीरे धीरे 1.5-2 साल बाद मुझे पता चला कि क्यों भगवान जी ने मेरे साथ ऐसे किया, बिकॉज ही लव्स मी एंड गॉड लव्स हिज चाइल्ड. एंड अगर वो किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं ना तो उनके अच्छे के लिए वो उनको थोड़ी तकलीफ देते हैं. बस कभी कभी ना हम भगवान जी को बहुत कोसते हैं कि हमें क्यों. और मैं भी ऐसी थी कि यार आपने मेरे साथ क्यों किया, ठीक है मुझे पता है आप मेरे साथ कुछ करते हो तो सिखाने के लिए करते हो. तो वैसे मैं भगवान जी से बहुत बातें करती थी, बहुत ज्यादा बातें करती थी, क्योंकि वही उस टाइम पे मेरी बात सुनते थे और मैं किसी को बता नहीं पाती थी यार, ट्रस्ट मी गाइस. बट ये चीजों ने मेरे को एक्चुअली अंदर से बहुत बहुत मतलब इतना तोड़ दिया था ना कि मेरे को बस ऐसा था कि यार. और ट्रस्ट मी ब्रेकअप के बाद मैंने आज तक उस लड़के को हम लोग कभी 1-on-1 सामने भी नहीं आए. ऐसे होता है ना कि आपको कभी कोई अपना एक्स दिख जाता है, कुछ हो जाता है, जी नहीं मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ अंटिल एंड अनलेस मैं खुद उससे मिलने गई थी एक बार. बल्कि मैं बेवकूफ थी, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं वहाँ जा रही थी और वो वहाँ था तो मैंने उससे मिल लिया. लेकिन उसके बाद भी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत डांटा था कि इशप्रीत मत पड़िए चीज़ों में, इट टुक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस शिटी थिंग्स एंड यू शुड नॉट गो अगेन इन टू दैट ट्रॉमा, बिकॉज तुमको बहुत टाइम लगा ये चीजों में से बाहर निकलने के लिए. मैं ना जो लड़के है ना मैं अगर वो कोई देख रही है और कोई सच में अगर किसी के साथ ऐसे करता है ना तो मेरे को यही बोलना है कि हर लड़की क्या कोई लड़की खेलने के लिए नहीं होती है. और मैं नहीं कहती लड़के ही ऐसे करते हैं, आजकल तो लड़कियां भी कर रही है ऐसा. लेकिन कभी कभी ना वो चीज करते करते हम किसी अच्छे को भी जो ऑलरेडी सफर कर रहा है आप उनको भी और सफर करने के लिए मजबूर कर देते हो. उनकी कोई गलती भी नहीं होती है एंड यू जस्ट एंड अप हर्टिंग देम सो मच विच दे डोंट डिजर्व. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि ऐसे मत करो किसी के साथ यार, ऐसे मत करो. तुमको नहीं पता वो किस किस चीजों से जा रही है या जा रहा है, तुमको
नहीं पता उसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल है, ऑलरेडी उसको हर जगह से सवाल उठाए जाते हैं कि क्या उखाड़ लिया जॉब पे, कितना पैसे कमाती है, फिर घर पे कुछ देती भी है या नहीं, खुद ही उड़ा देती है। ये मेरे साथ रोज होता था। और उसी में एक और एडिशनल, अगर आप किसी के लिए प्रॉब्लम डाल रहे हो, यू हैव नो राइट टू हर्ट समवन। एंड वन थिंग आई वांट टू से, तुम अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारा कर्मा भी तुम्हें यही मारेगा। भले ही वो बंदे ने तुमको हाय दी हो या नहीं दी हो, लेकिन भगवान तो देख रहा है। सो आप लोग यूजुअली मेरे को पूछते रहते हो कि स्प्रीत आपका बॉयफ्रेंड कौन है, बॉयफ्रेंड कौन है, और मैं ज़्यादा उस बारे में कभी रिप्लाई नहीं करती थी। वैसे इस बात को ऑलमोस्ट अभी 6 to 7 ईयर्स हो चुके हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। आई एम गोइंग गुड बिकॉज नाउ आई हैव मिलियंस ऑफ पीपल लविंग मी। और ये अगर वो देख रहा होगा या देखता भी होगा ना, तो उसकी इतनी जलती होगी ना अभी कि मैंने किसको छोड़ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी यार। यू नो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यू वॉचिंग इट डूड, यू वॉच इट बिकॉज यू नो वेर आई एम टूडे। अगर तूने मेरे साथ, मैंने उसको ये भी कहा कि भाई तेरे को अगर टाइम पास करना था तो मेरा दोस्त बन जाता, मैं दोस्त ज्यादा एंटरटेनिंग हूँ गर्लफ्रेंड से, क्योंकि लड़कियों वाली चीज है मेरी बस की बात नहीं है ज्यादा, लेकिन जब तू दोस्त बोलेगा तो मैं टॉमबॉय जैसे तेरे को और एंटरटेन करती थी। बट टाइम जा चुका था, यू नो मेरा थोड़ा माफी वाला एटीट्यूड है, तो मैंने उसको ये चीजें भी बोली थी बाद में। लेकिन वही होता है कि आपका एक्स आपका फ्रेंड कभी नहीं बन पाता, कितनी भी कोशिश कर लो। मैंने 2 साल कोशिश की, कभी दोस्त नहीं बना वो मेरा। इट्स बेटर कि आप उससे दूर ही हो जाओ परमानेंटली। और जलती तो होगी उसकी मेरे को देख के। ओके सो दैट्स इट गाइस, ज्यादा सीरियसली मत लो। आप मेरे को पूछते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, बॉयफ्रेंड कौन है, बॉयफ्रेंड कौन है, तो मैंने अपनी फाइनली ब्रेकअप स्टोरी, सैड ब्रेकअप स्टोरी बता दी। एंड और आपको मेरे लाइफ में ऐसे ना ब्रेकअप वाले नहीं बट बहुत सारी ट्रेजेडीज है, तो आपको अगर जानना है तो आप मुझे टॉपिक्स बताओ नीचे कॉमेंट्स में, और मैं उस पर ऑफकोर्स वीडियो बनाऊंगी।